जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है भारत का भूगोल। आज हम इसमें 54वां एक्सरसाइज पढ़ेंगे जो कि है हमारा भारत के पर्वत। तो ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर आप लोग मैथ पढ़ना चाहते हैं तो RS अग्रवाल का मैथ का बुक चल रहा है, आपको यूट्यूब पर सर्च करना होगा अध्ययन केंद्र मैथ। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपका, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है। पिछले एक्सरसाइज में हमने भारत का विस्तार पढ़ा था, उसमें पढ़ा था ऊपर की तरफ, मीन्स उत्तर यही है, नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ क्या है? हिमालय। नॉर्थ की तरफ क्या है? हिमालय। ऑप्शन नंबर बी यहां आपका सही है। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। हिमालय पर्वत जो है वो किस प्रकार का पर्वत है? यह है बलित पर्वत, मीन्स फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन मीन्स बलित पर्वत, ऐसा पर्वत है, बलित है। ओके, या फिर ऐसा समझ लो तो बलित है, टेढ़ा हुआ पर्वत है। ओके, मुड़ा हुआ पर्वत है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सबसे ऊंचा, हाईएस्ट पॉइंट या हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, वो है आपका गाडविन ऑस्टिन। गाडविन ऑस्टिन ऑप्शन नंबर ए दुनिया का है माउंट एवरेस्ट। दुनिया का है माउंट एवरेस्ट और भारत का है गाडविन ऑस्टिन। इसी को K2 कहा जाता है, इसी को K2 कहा जाता है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको गॉडविन ऑस्टिन, K2 और कंचनजंगा इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव वीडियो मैंने बनाया है, उसको देखो, काफ़ी क्लियर हो जाएगा। हालांकि बता दूं, गॉडविन ऑस्टिन एक ही नाम है और कंचनजंगा अलग है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो हिमालय कैसा है? नवीनतम पर्वत है, मॉडर्न पर्वत है। ओके, मीन्स नया नया भी ये बना हुआ है। नया का मतलब ये नहीं कि 5 साल पहले बना है, हजारों साल पहले बना हुआ है, लेकिन फिर भी ये क्या है? नया है। इससे पहले, हिमालय से पहले वहाँ पे कौन सी नदी बहती थी? टेथिस सागर बहता था, वो नदी नहीं था, सागर था, टेथिस सागर। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? इसमें से सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। कंचनजंगा याद रखना, भारत का, अगर यहाँ पे भारत हटा दिया जाता तब आपका आंसर माउंट एवरेस्ट होता, माउंट एवरेस्ट होता। आपको एक साथ ऑप्शन में कंचनजंगा, K2 और गाडविन ऑस्टिन नहीं देखने को मिलेगा, इसीलिए कन्फ्यूज नहीं रहना। आप डायरेक्ट अगर ऑप्शन में कंचनजंगा है तो उस पर टिक कर लेना, या फिर K2 है उस पर टिक कर लेना, या फिर गाडविन ऑस्टिन है उस पर टिक कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? असम में स्थित है नामचा बारावे। नामचा बारावे ऑप्शन नंबर बी। हिमालय की उत्पत्ति किस सन्नति से हुई है? किस सन्नति से हुई है? वो है टेथिस। यहाँ पे जौ लिखा हुआ है ना, कि कई कई जगह पर यहाँ पे टेथिस लिखा रहता है। ओके, तो आपको बस याद रखना है टेथिस, हमको ऑप्शन टिक करना होता है एग्जाम में। हिमालय का पाद प्रदेश मीन्स निचला प्रदेश निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसे हम कहते हैं शिवालिका। शिवालिका बहुत इंपॉर्टेंट है, शिवालिका रेंज है। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय का पदीय प्रदेश कहा जाता है? इसको पर्वत पदीय प्रदेश भी कहा जाता है, ऐसा प्रदेश जो पर्वत के नीचे पाया जाता है उसे हम कहते हैं पर्वत पदीय प्रदेश। तो इसमें से हिमालय का पदीय प्रदेश कौन सा है? शिवालिका। नंदा देवी स्थित है, नंदा देवी स्थित है उत्तराखंड में। नंदा देवी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है? बद्रीनाथ है कुमायूं हिमालय में। बद्रीनाथ स्थित है कुमायूं हिमालय में। 12वां प्रश्न दिया गया है, आपको सुमेलित करना है। ओके, तो पंजाब, पंजाब ये कहाँ पे है? मीन्स सिंधु और सतलज नदी के मध्य है। पंजाब कहाँ पे है? पंजाब हिमालय, ये सिंधु और सतलज नदी के मध्य है। आगे आपका कुमायूं हिमालय, ये सतलज और काली नदी के मध्य है। कुमायूं हिमालय सतलज और कुमायूं नदी के मध्य है, जबकि नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के मध्य है। नेपाल हिमालय ये काली और तीस्ता नदी के मध्य है। असम हिमालय ये तीस्ता और दिहांग नदी के बीच है। असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के बीच है। हिमालय में हिमरेखा मीन स्नो लाइन निम्नलिखित में से किसके किसके बीच में आता है? यह है आपका 4500 से लेकर 6000 मीटर पश्चिम में। 4500 से लेकर
6000 मीटर में वहाँ पे स्नो लाइन मीन्स हिमरेखा देखने को मिलता है। आगे प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? इनमें से कौन सी पर्वत संसार की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है? यहाँ पे क्या हो जाएगा, गार्डविन ऑस्टिन ओके, या K2 जिसे कहते हैं, ये संसार की दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। पहले स्थान पे कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। ओके याद रखिए यहाँ पे संसार का लिखा गया है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? काराकोरम पर्वत श्रेणी का पुराना नाम कृष्णागिरी है, ऑप्शन नंबर B। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य मीन्स लंबी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? इसे हम दून कहते हैं, देहरादून जो है वो इसी के कारण इसका नाम पड़ा हुआ है, देहरादून। ओके और हरिद्वार जो है नीचे वाले पार्ट को हिमालय को द्वार कहा जाता है, इसलिए हरिद्वार उसका नाम है, ठीक ना। और यहाँ पे दून जो है वो देहरादून इसी के कारण नाम है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? जम्मू कश्मीर में से मर्ग कहा जाता है, मर्ग। इसको फिर से रिपीट कर लो, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? वहाँ पे मर्ग कहते हैं इसको, मर्ग। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? उत्तराखंड में इसको पयार या बुग्याल कहा जाता है, बुग्याल या पयार, ऑप्शन नंबर D सही है। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रदेश स्थित है? ये प्रश्न अभी हम पढ़े थे, ये आपका कुमायू हिमालय सतलज और काली नदी के बीच क्या है, कुमायू। जबकि अगर हो जाता सतलज और सिंधु नदी के बीच कौन था, पंजाब किसके बीच था, सतलज और सिंधु नदी के बीच। ओके और नेपाल कहाँ पे था, काली और तिस्ता नदी के बीच। जबकि असम वाला कहाँ पे था, तिस्ता और दिहांग। ओके आगे हमारा प्रश्न है, काली एवं तिस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रदेश स्थित है? आगे वही प्रश्न है, काली और तिस्ता के बीच कौन सा है, तो वह है आपका नेपाल हिमालय, ऑप्शन नंबर B। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को, नेपाल में मीन्स हिमालय को या माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। अगर आप नेपाल जाओगे तो वहाँ पे जो भी मीन्स दुकान मिलेगा उसमें 50% का नाम आपको सागर माथा से ही मिल जाएगा, सागर माथा हार्डवेयर इस टाइप का, मैं गया हुआ था, देखा हुआ था। आगे 22वां प्रश्न है, एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नॉर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की, गलत वर्ड क्या गया है, मीन्स चढ़ाई किया था। ओके तो कौन सा हो जाएगा आपका, 1953 में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर फताका लहराने वाली और उस पर चढ़ने वाली कौन थी, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे कौन सा देश का था, ये जरा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो कब चढ़ रहा था, 1953 में। नंदा देवी चोटी है, नंदा देवी किस पार्ट का चोटी है, तो ये कुमायू हिमालय का ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अगर हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है, ये कहाँ स्थित है, यह है म्यांमार की राजधानी कहाँ पे है, न्यामे, उसको कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम आपको लगाना है, मीन्स अरुणाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर के साइड में आपको एरेंज में लगाना है। तो पहले आता है काराकोरम श्रेणी, फिर आता है लद्दाख, उसके बाद जास्कर और सबसे लास्ट में पीर पंचाल, मीन्स पीर पंचाल है सबसे पश्चिम में आता है। ओके और सबसे पूरब में कौन आता है, काराकोरम। ओके आगे प्रश्न पे आते हैं, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, सबसे ऊंचा पर्वत चोटी भारत का कौन सा है, गार्डविन ऑस्टिन ऑप्शन नंबर 1, साथ ही ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा है। कुल्लू घाटी, अच्छा यहाँ पे देखो कंचनजंगा भी दिया गया है, ठीक ना, तो कंचनजंगा से ऊंचा क्या है, गार्डविन ऑस्टिन है।
कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में किसके बीच अवस्थित है? कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? तो धौलाधर और पीर पंचाल, धौलाधर और पीर पंचाल, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा है नंदा देवी, नंदा देवी उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है नंदा देवी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ है सेनोजोइक एरा में, सेनोजोइक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही है। साथ ही आप जिस स्टेट से हो गूगल पे ही सर्च करके ये बताना कि उस स्टेट का सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है, आपके स्टेट पीसीएस में पूछ लेता है या फिर स्टेट के एग्जाम में। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा स्थित है सिक्किम में, सिक्किम में कंचनजंगा स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सा है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली है, अरावली, ऑप्शन नंबर बी। ये भ्रंश पर्वत का उदाहरण है, जैसे ऊपर एक प्रश्न पढ़े थे जिसमें लिखा हुआ था कि हिमालय इसमें से किस प्रकार के मीन्स पर्वत का उदाहरण है, तो हम उसमें नवीन या आधुनिक पे टिक किए हुए थे या मॉडर्न पे, ओके। तो उसी प्रकार प्रश्न आएगा कि अरावली किस टाइप का पर्वत का उदाहरण है, तो वो कैसा है? भ्रंश है, भ्रंश, ठीक ना, भ्रंश मीन्स अब वो धंसने वाला है, मीन्स अब वो बूढ़ा हो गया है, तो वो क्या है? अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी माना जाता है। और इसका जो सर्वोच्च शिखर है उसको हम कहते हैं गुरु शिखर, गुरु शिखर, ओके। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैला हुआ है? एक राज्य फैला हुआ है अजंता का गुफा, अजंता, ऑप्शन नंबर सी। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सा है? सबसे वलित पर्वतमाला कौन सा हो जाएगा? अरावली, अरावली, जो भी फोल्ड माउंटेन होगा ना वो क्या होता है, उसको हम वलित पर्वत कहते हैं, मुड़ा हुआ होगा उसको हम क्या कहते हैं, अरावली मीन्स मुड़ा हुआ पर्वत। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो उसका जिक्र हम अभी किए थे, गुरु शिखर। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही होगा। पश्चिमी घाट क्या है, मीन्स जैसे ये इंडिया का नीचे वाला पार्ट है, ये वो ईस्टर्न मीन्स ईस्ट पूर्व साइड में है ना, इसको कहते हैं पूर्वी घाट, और ये पश्चिम साइड में है इसको हम कहते हैं पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये क्या है, एक भ्रंश कंगार है। भ्रंश कंगार मतलब ये क्या है, भ्रंश मतलब ये उठा हुआ पार्ट है और धीरे धीरे वो नीचे हुआ ऐसे, ठीक ना। और पर्वत अगर होगा तो इस प्रकार का होगा, मोड़दार पर्वत हुआ तो ऐसे होगा, ठीक ना। तो अब क्लियर हुआ होगा ये सब। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सिहायदी के नाम से जाना जाता है? सिहाद्री किसे कहा जाता है मेनली, तो यह पश्चिमी घाट को, पश्चिमी घाट को ही सिहाद्री कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ऑप्शन नंबर बी। पश्चिमी घाट कई नाम है, कोकण तट है, मलावार है, तो ये सब पीछे पढ़े हुए हैं। प्रायद्वीपीय पर्वत में उच्चतम पर्वत चोटी है, प्रायद्वीपीय पर्वत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है? अनायमुडी, अनायमुडी, ऑप्शन नंबर ए। पूर्वी घाट, अच्छा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, प्रायद्वीपीय भारत में सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा है? अनायमुडी। पूर्वी तट या पूर्वी घाट कह लो, पर सॉरी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल कहाँ पे है? यह है नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट जो है उसका सम्मिलित स्थल है वो। भारत के सबसे दक्षिणी भाग पर स्थित पहाड़ियों में से कौन सी है? इसमें से सबसे दक्षिण में स्थित कौन सा है? तो वह है कोल्डेमम, कोल्डेमम सबसे दक्षिण है, मीन सौथर जो कन्याकुमारी है वहाँ पे ये पर्वत है कोल्डेमम। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पूर्वी मीन्स इस साइड वाले पार्ट में सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? इसका भी जिक्र हम पहले कर चुके हैं, यह है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ आपका, बी हो जाएगा। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? कार्डेमम पहाड़ी कहाँ होगा? केरल में होगा। अगर आप मीन्स जैसे ऊपर वाले प्रश्न को देखो, यहाँ पे लिखा है दक्षिण भाग में, ओके, तो यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश ये होता है पूर्वी भाग, सॉरी उत्तर भाग में आता है। अगर आप इंडिया का मानचित्र बनाओ तो इससे नीचे वाले पार्ट को दक्षिण कहा जाता है, इससे ऊपर वाले पार्ट को कहा जाता है मीन्स उत्तर। तो यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश और यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, तो ये दोनों तो पूरब में हो जाएगा, केरल और महाराष्ट्र बचा, महाराष्ट्र आपका यहाँ आता है और केरल यहाँ आता है, तो मैप में आसानी से आप ढूंढ पाओगे और टिक भी कर पाओगे थोड़ा भी अगर मैप का ज्ञान है तो। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गिरनार पहाड़ी है गुजरात में, गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? गुजरात। एक होगा तो हम इंडिया का मैप के रिगार्डिंग मीन्स अलग अलग,
जैसे नदी का अलग बना देंगे, स्टेट का अलग बना देंगे जिसे आप देख के उसको लंबे समय तक याद कर पाओगे, पहाड़ी का अलग बना देंगे, ठीक ना, जरूर बना ही देंगे, वो एग्जाम से पहले बना देंगे। आगे प्रश्न 42 नंबर, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? यह है गुजरात में। गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। 11 खासी जयंतिया, 11 खासी जयंतिया, ये तीनों नाम जहाँ आपको एक साइड मिल जाए आप मेघालय पे टिक कर लेना। 11 खासी जयंतिया, चाहे वो पहाड़ी हो, झरना हो, जनजाति हो, कुछ भी हो, आप 11 खासी जयंतिया याद रखो और मेघालय पे टिक करो, ओके, क्योंकि मेघालय में सब कुछ इसी नाम से, और कोई उसको नाम आया ही नहीं, ठीक ना। आगे हमारा, दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है अनायमुडी, अभी पढ़े थे अनायमुडी, ऑप्शन नंबर ए। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी है? तो वह खासी, पटकोई, अराकानियोमा, ओके, ये जो है भारत और म्यांमार के बीच मीन्स बाउंड्री क्लियर करता है। आगे दिया है, निम्नलिखित में से विचार करना है कि सही क्रम में उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में आपको अरेंज करना है, ओके, तो मीन्स सबसे, जैसे अगर इंडिया का मैप बनाए ना, तो ये हुआ नॉर्थ और ये हुआ साउथ, तो ऊपर से नीचे की तरफ इसमें से कौन सी पहाड़ियाँ आती है ये आपको मिलान करना है। तो पहले महादेव पहाड़ी है, फिर सतपुड़ा पहाड़ी, और सबसे नीचे में साउथ में क्या आता है? सिहाद्री पर्वत। ये पूरे मीन्स नॉर्थ में ही आता है, सतपुड़ा आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के आसपास, और सिहाद्री तो मीन्स नीचे केरल तमिलनाडु के आसपास मिलेगा, कर्नाटक के आसपास, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार जो आपको झारखंड में मिलेगा उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वह है पारसनाथ, पारसनाथ, ऑप्शन नंबर सी। धूपगढ़ चोटी स्थित है, धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में, सतपुड़ा रेंज में धूपगढ़ चोटी स्थित है। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? अरावली श्रेणी है राजस्थान में, अरावली श्रेणी कहाँ पे है? राजस्थान में। थोड़ा पार्ट इसका गुजरात और मध्य प्रदेश के आसपास भी आता है, पर आपको ऑप्शन में ऐसा कुछ देगा ही नहीं ताकि आप आसानी से इसको टिक कर पाओ, राजस्थान में है अरावली श्रेणी। नंदा देवी शिखर स्थित है, नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, नंदा देवी उत्तराखंड। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? रिपीटेड प्रश्न हो गया, कंचनजंगा कहाँ था? सिक्किम में, सिक्किम में स्थित था। केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? केटू के बाद मीन्स गाडविन ऑस्टिन के बाद दूसरा सबसे ऊंचा कौन है? कंचनजंगा, कंचनजंगा मीन्स गाडविन ऑस्टिन पहले पे हुआ, कंचनजंगा दूसरे पे हुआ, लेकिन दुनिया की बात करें तो पहला माउंट एवरेस्ट और दूसरा क्या हुआ? केटू या गाडविन ऑस्टिन। 53 नंबर प्रश्न है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करना पड़ेगा, कहीं कहीं 8848 लिखा रहता है और कहीं कहीं 8850 लिखा रहता है, तो इसी के आसपास 4-5 आगे पीछे होगा, अपना टिक कर लेना, ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? यह स्थित है पालनी पे, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सबरीमाला काफ़ी न्यूज़ में रहता है मंदिर, उसमें महिलाओं का जाना वर्जित है, सबरीमाला कहाँ स्थित है? ये स्थित है केरल में, केरल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में रहता है, एग्जाम बनने का काफ़ी चांस रहता है, ओके, तो सबरीमाला के बारे में तो केरल में, और कुछ कुछ अगर पता चल जाए तो उसको याद रखना। आगे, उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है, उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है अरावली, अरावली राजस्थान के आसपास। दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम कहते हैं सागरमाथा, सागरमाथा। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर अगर कहीं आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए अरावली है, ओके, क्योंकि अरावली का हाईएस्ट पॉइंट है गुरु शिखर, तो ये किस स्टेट में है? तो अरावली है राजस्थान में, तो उसका हाईएस्ट पॉइंट भी कहाँ होगा? राजस्थान में ही होगा। आगे हमारा, सेवराई पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? सेवराई पहाड़ी है तमिलनाडु, सेवराई पहाड़ी तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है? अभी एक पढ़े थे हम कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो पर्वत जहां पे मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? तो वही है नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी केरल और तमिलनाडु में मिलता है, ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नर्मदा और तापी नदियों के मध्य स्थित है, नर्मदा और तापी नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा पहाड़ी,
सतपुड़ा पहाड़ी, साथ ही याद रखना नर्मदा और तापी दोनों, जैसे ये मैप हुआ इस साइड बहने वाला नदी है ओके, और जो भी रिवर है वो इस साइड बहता है बे ऑफ बंगाल में। तो नर्मदा और तापी एट फर्स्ट तो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, साथ ही अरेबियन सी में गिरता है, और नर्मदा और तापी एस्चुरी बनाता है। जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर होगा वो डेल्टा नहीं बनाता, वो बनाता है एस्चुरी, और जो बे ऑफ बंगाल में गिरेगा वो बनाएगा डेल्टा। तो जब हम भारत की नदियाँ पढ़ेंगे और क्लियर होगा। बस इतना याद रखो अभी कि नर्मदा और तापी दोनों वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, इसे गिरता है अरेबियन सी में, साथ ही ये दोनों एस्चुरी बनाता है। प्रश्न ऐसे आएगा इनमें से कौन सी नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती है, तो आपके ऑप्शन में तो नर्मदा या तापी या कुछ और दे देगा, तो आप उस दोनों में से किसी पर टिक करना ओके। दोनों नहीं देगा ऑप्शन में, एक देगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, मीन्स अंडमान निकोबार का सबसे हाईएस्ट चोटी कौन सा है, ये है सॉडिल पिक। ऑप्शन नंबर ए। कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है, इसमें से कौन सा हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है, तो अरावली अलग है, अरावली इसका पार्ट नहीं है, जबकि कुंडलून, काराकोरम, हिंदू कुश ये सब हिमालय पर्वत श्रृंखला का पार्ट है। दो प्रश्न और बचा हुआ है, 64 नंबर दिया गया है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, हिमालय का सबसे पूर्वी चोटी मतलब ऐसा चोटी जो अरुणाचल प्रदेश में है, वो चोटी का नाम क्या है, तो वह है नाम चावाड़ावा। जब भी अरुणाचल प्रदेश में है तो नाम भी क्या होगा, थोड़ा चेंज होगा, तो ये क्या है, नाम चावाड़ावा, ऑप्शन नंबर ए सही है। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, हिमालय भारत के किस राज्य में नहीं आता है, तो ऑप्शन काफ़ी यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड दिया है, मीन्स काफ़ी नज़दीक दिया है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है ओके। और हर एक राज्य मीन्स ये जिसमें भी अरुणाचल प्रदेश है आपका, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, जम्मू कश्मीर है, इस समय क्या है ये हिमालय का रेंज आता है ओके। तो सेशन को यहाँ एंड करते हैं, 65 नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया आपका। आगे दिया गया भारत के प्रमुख दर्रे, कुछ एक्सरसाइज छोटे हैं तो वीडियो छोटा होगा, कुछ एक्सरसाइज बड़े हैं तो वीडियो लंबा होगा, और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, क्योंकि लुसेंट में क्या होता है किसी किसी एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में इम्पोर्टेंट दे देता है, किसी के लास्ट में इम्पोर्टेंट दे देता है, किसी के बीच में दे देता है, तो आप पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा ओके। सेशन को यहाँ एंड करते हैं, सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और फायदा हो सके ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।